हर साल करंट से कई लोग मरते हैं, और देखा होगा कि करंट से पूरी की पूरी बिल्डिंग तक जल जाती है। करंट एक ऐसी चीज़ होती है। आज धर्मराज जी और अमित जी हमारे साथ हैं। इन्होंने कुछ ऐसा इनोवेट किया है जिसका नाम, कंपनी का नाम सेफ ऑन पावर प्यूरीफाई प्रोडक्ट प्रोडक्ट का नाम है। जैसे प्यूरीफायर तो पानी के लिए भी प्यूरीफायर यूज़ जी, करते हैं, जैसे पानी के लिए प्यूरीफायर होता है, वैसे ये बिजली के लिए। ऐसा क्या है इस प्रोडक्ट में जिसके बारे में आप बताएं? ऐसा इस प्रोडक्ट में ट्रांसफार्मर है जिसकी डिज़ाइन इस तरह से की गई है कि जो मैग्नेटिक फ्लक्स डेवलप होता है ट्रांसफार्मर में, उसको हमने डिवाइस के अंदर ही कंट्रोल कर दिया है, जो बिजली के साथ फ्लो नहीं करता। वो नहीं फ्लो करने के कारण करंट का झटका नहीं लगता, करंट फ्लो हो रहा है बट शॉक उससे बाहर हो गया। तो कैसे मतलब जैसे ये घर में लगाने का है, कैसे इसको यूज़ करते हैं घर में, कैसे लगाया जाए? बिजली के जो मीटर है उससे सप्लाई इसमें जाएगी, और इसके जो आउटपुट है उससे सप्लाई आपके घर के डीपी में जाएगी, जो डिस्ट्रीब्यूशन पैनल तो होता क्या है। ये जो डिवाइस है आपको इसी साइज का है या नहीं? ये तो एक डेमोस्ट्रेशन डिवाइस है, इसके डिफरेंट साइज होते हैं, 3 किलोवाट, 5 किलोवाट, 10 किलोवाट, ऐसे करके साइज के हिसाब से इसका डायमेंशन बढ़ता चला जाता है। तो मतलब जिसको भी बनवाना है बनवाना है हाँ जी, कि उसकी क्या उसके हम नहीं नहीं पहले पहले हम जिसको लेना होता है उसके घर की या फैक्ट्री की ऑडिट करते हैं कि उसका एक्चुअल कंजम्पशन कितना है, उस कंजम्पशन के हिसाब से हम उसको सजेस्ट करते हैं कि आपके यहाँ पे इतना किलोवाट का डिवाइस लगेगा। तो इसकी मिनिमम रेट क्या आती है, मतलब मिनिमम रेट ये 32,000 से स्टार्ट है, 32 3 किलोवाट, 3 किलोवाट से स्टार्ट। कितने मतलब मिनिमम कहाँ से? 2 BHK फ्लैट के लिए सफिशिएंट है, 3 BHK, 3 BHK तक बिना बिना एसी का अगर है तो चलेगा, एसी अगर लगे हैं तो फिर 5 किलोवाट में चला जाएगा। तो कुछ आप इसको दिखाएंगे, आप डेमो करके आप? अभी दिखाते हैं। हाँ राजेंद्र जी डेमो दिखाओ। आप देखें ये डिवाइस है, ये मैंने इसका आउटपुट ऑन कर दिया है, ये यहाँ पे ये वायर जो है ये नेकेड किया हुआ है, इसका लेमिनेशन हटाया हुआ है। यस यस प्लीज़ कम। ये अभी मैं हमारे इंटरनेशनल पार्टनर पुम के मिस्टर पीटर्स इसको आपको दिखाएंगे, इस पर हाथ लगाएंगे, प्लीज़ टच दिस। इन्होंने ये हाथ लगाया है और अभी अभी कोई भी शॉक इनको नहीं लग रहा है। सिमिलरली कोई भी हाथ लगाएगा तो आप देख रहे हैं कि मतलब शॉक, मैं एक बार लगा के देखता हूँ कि आप देख रहे हैं कि अगर बिजली के तार पे हाथ लग जाए तो तुरंत क्या तो हो जाता है, बट ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा इन्होंने डिवाइस हाँ बॉडी में करंट फ्लो कर रहा है, टेस्टर जल रहा है, टेस्टर भी नहीं, आपके हाथ पे टेस्टर जल रहा है, बट मुझे करंट नहीं लग रहा है। 220 की सप्लाई आपके शरीर के अंदर से चल रही है लेकिन आपको करंट का झटका नहीं लग रहा है। करंट तो फ्लो कर रहा है बट झटका नहीं लग रहा है। करंट और झटका दो अलग अलग चीज़ें हैं। करंट जो है ये धारा प्रवाहित हो रही है उसको करंट कहते हैं, बट उसके साथ जो मैग्नेटिक फ्लक्स आ जाता है वो शॉक देता है, तो वो शॉक हमने इसी डिवाइस के अंदर एब्जॉर्ब कर दिया है। जैसे कि वो पानी में भी, जैसे पानी भी है आपका, जैसे स्विमिंग पूल होती है, स्विमिंग पूल में कोई तार अगर लीकेज हो जाता है या घर में गीजर होता है उसमें तार लीकेज हो जाता है तो आपको करंट का झटका लगता है। आपने कई चीज़ें देखी होगी कूलर में और गीजर में। अगर आपने पानी में ये डाला, जैसे पानी में, मैं अभी आप डाल रहा हूँ, आप उंगली डालिए, करंट आता है, आप डालिए उंगली, आपकी उंगली, आप इसको पकड़ भी सकते हैं अंदर, यहाँ से करंट आ रहे हैं, उंगली डाल रहा हूँ मैं, बल्ब जल रहा है, बल्ब जल रहा है बट करंट नहीं आ रहा, आपको करंट नहीं लग रहा, यही इस डिवाइस की खूबी है। ये कहाँ से मतलब आप लोगों को कहाँ से प्लान आया? इतने साल हो गए। देखिए कोई भी इनोवेशन जो होता है ना कहीं से आता नहीं है, वो अपने आप अवेलेबल होता है पृथ्वी पर, किसके दिमाग में आया और किसने उसको उपयोग किया ये बात होती है, इनोवेशन होता है। कितने साल हो गए आप लोगों को इस पे इस प्रोडक्ट पे काम करते हुए? हमें लगभग 10 साल हो गए, 10 साल हो गए जी। कौन से सन से स्टार्ट किया था? 2013 से। और अब जाके आपने इसको, अब ये पेटेंट हमारे को 2022 में मिला। क्या रीज़न रहा कि इतने सालों बाद आप लोगों को पेटेंट मिला? वो तो इंडिया गवर्नमेंट बता सकती है, दैट वी कैन नॉट से। उनका प्रोसेस है, उस प्रोसेस के हिसाब से जब इसका नंबर आया तो उन्होंने ग्रांट किया।